क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, उससे जो आंसर आ रहा है वो भी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है। यहाँ 3 रो 2 कॉलम और यहाँ पर आंसर आ रहा है 3/3 का। इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ए का ऑर्डर क्या होगा। देखो ए का जो भी ऑर्डर होगा उसमें कुछ रो और कुछ कॉलम होंगे। अगर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ 2 ही होना चाहिए। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आंसर इस ऑर्डर का आएगा, तो यहाँ क्या चाहिए 3 चाहिए। इससे पता चल गया आपका ए का ऑर्डर 2 × 3 होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मल्टीप्लीकेशन के लिए इन दोनों का इक्वल होना था इसलिए 2 आया, और आंसर में 3 चाहिए तो यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 3 चाहिए इसलिए 3 आया। समझ में आया? अब आप देखो हमारे पास 2 है, -1 है, 1 है, 0 है, -3 है और 4 है, और ए हमारे पास कितना है 2, 3 का। तो इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रो और 3 कॉलम है। तो हमने इसे कंसीडर करा ए बी सी, साथ में आ गया डी ई एफ, और यहाँ से इक्वल टू में आ गया हमारे पास -1, -8, -10, 1, -2 और -5, 9, 22 और 15। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करनी होगी इधर बनाएंगे रो और इधर बनाएंगे कॉलम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आंसर क्या चाहिए आपको 3/3 का चाहिए। तो आपको 1-1 चाहिए, 1-2 चाहिए, 1-3 चाहिए, 2-1 चाहिए, 2-2 चाहिए, 2-3 चाहिए, 3-1 चाहिए, 3-2 चाहिए और 3-3 चाहिए। 1-1 कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आया 2a-d, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना आया 2b-e, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 2c-f, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया a+0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आया b+0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आया फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3a+4d, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1, -8 और -10, 1, -2 और -5, 9, 22 और 15। अब अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है और सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 5। आप देखो 2a-d, तो ए की जगह क्या रख सकते हैं हम 1, तो यहाँ से आ गया 2-d = -1, तो d की वैल्यू आ गई 3। आप देखो b की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया -4, -e = -8 और e की वैल्यू आ गई 4। इन लास्ट c की वैल्यू कितनी आई है -5, तो -5 2 जा कितने हो गए -10, -f = -10, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। a b c d e f सारी वैल्यू निकाल दी तो हमारा मैट्रिक्स रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4-1-4, 3, 0 और -4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर को आई के इक्वल प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया a × a, ये कितना है 4-1-4, 3, 0 और -4, 3-1 और -3। फिर हमारे पास आया 4-1 और -4, 3, 0 और -4, 3-1 और -3। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बनाएंगे रो इधर बनाएंगे कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 16-3-12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4+0+4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -16+4+12, फिर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12+0-12, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3+0+4, सेकंड रो थर्ड कॉलम -12+0+12, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12-3-9, थर्ड रो सेकंड कॉलम
तो माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस में थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का ट्वेल्व प्लस में फोर प्लस में नाइन। तो आप देखिए यहाँ से बचा वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन। अगर डायगनल में सिर्फ वन होते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर तीन वाला होता है तो आई थ्री बोलते हैं, दो वाला होता है तो आई टू बोलते हैं। और इस आई की वही इंपॉर्टेंस है जो नंबर्स में वन की होती है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई आप किसी मैट्रिक्स में करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वन की तरह बिहेव करता है। ठीक है,